गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, एन सी आर टी मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी। 10 का पार्ट बी सेज बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर, दिस इज योर फिगर नंबर बी, टू इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड दियर एरियाज measure in centimeter. You see this figure. First we divide this figure in three parts. This is part number one, this is part number two, and this is part number three. तो हम एक एक part का इसमें area निकालेंगे। पहले तो इसको हमने join करा दिया, इसके बाद से ये पूरा figure हमारा तीन part में दिख रहा है। तो ये पहले वाले part की बात करेंगे तो ये इसका length होगा, और ब्रेथ की बात करेंगे तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ वाला पार्ट हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज 1। तो लिखेंगे फॉर फिगर नंबर 1, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। देयरफोर एरिया ऑफ फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। तो यू सी हियर 5 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि आपका ये मेजर जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया, मेजर्स इन सेंटीमीटर्स। नाउ यू फाइंड फॉर फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 का दोनों फिगर सेम है। देखिए ये फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 का ये वाला डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। वैसे बुक में आपका ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपको कितना दे दिया है, लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दिया है ये 1 सेंटीमीटर। देयरफोर एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, तो एल का वैल्यू आपको दिया है 2 × 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिगर नंबर एरिया ऑफ फिगर नंबर 3, एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, और एरिया फिगर नंबर 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ ये फिगर और ये फिगर दोनों आपका सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर बी इक्वल टू पहले वाले का एरिया कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया आया 2 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का भी आया है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 और 2 4 और 5 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर।